वेलकम टू एसएससी मेकर। एसएससी मेकर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 24 अक्टूबर है, तो 24 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसकी शुरुआत हम करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो कि है हमारा आज का, छाता बारिश को रोक नहीं सकता लेकिन हमें बारिश में खड़ा कर सकता है। ऐसे ही आत्मविश्वास भले ही सफलता ना दिलाता हो लेकिन हमें जीवन में किसी भी चैलेंज का सामना करने की शक्ति देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहले हम कल का क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट दिया था। मैं उन सब बच्चों का थैंक्स करना चाहती हूँ। एक हमारी स्टूडेंट है अर्शी बानो, तो वो बहुत अच्छे सीक्वेंस वाइज आंसर लिखती है, उसका मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी बच्चे भी ना उसी की तरह लिखेंगे सीक्वेंस वाइज सारे आंसर एक साथ। तो चलिए देखते हैं, उपेंद्र सिंह रावत किस देश के अगले राजपूत होंगे? तो राजदूत अगले देश के राजदूत होंगे निकारगुआ गणराज्य, ब्राज़ील, उज़्बेकिस्तान या रूस। तो इसका करेक्ट आंसर है निकारगुआ गणराज्य। निकारगुआ गणराज्य के उपेंद्र सिंह रावत जी अगले राजपूत होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नए ऊर्जा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं संजीव नंदन सहाय, पंकज कुमार, रजनीश कुमार या अनूप कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर है संजीव नंदन सहाय। संजीव नंदन सहाय जी को नए ऊर्जा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव नंदन सहाय को नए ऊर्जा सचिव के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। और यह कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली लोधी रोड पर। किसी बच्चे को जाना हो तो चले जाना ऐसे घूमने, ठीक है। और इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह, ठीक है। राजकुमार सिंह जी इसके मिनिस्टर हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा, एंडोमेंट फंड की घोषणा किस आईआईटी द्वारा की जाएगी? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या आईआईटी बॉम्बे। तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के द्वारा एंडोमेंट फंड की घोषणा की जाएगी। एंडोमेंट फंड क्या होता है हम देख लेते हैं। ये एक तरह का कलेक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट कलेक्शन होता है ये एक तरह का, ठीक है। जैसा कि इसमें लिखा है, यह एक निवेश फंड है जो एक फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया जाता है, जो निवेशित पूंजी से लगातार निकासी करता है, ठीक है। और इस फंड की जो अमाउंट होता है, इस फंड की जो पूंजी होती है, वह कहाँ कहाँ यूज़ होती है? यूनिवर्सिटीज़ में, गैर लाभकारी संगठनों अर्थात नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओज होते हैं वहाँ पर, चर्च में जो क्रिश्चियंस के चर्च होते हैं वहाँ, हॉस्पिटल्स में, ठीक है। कभी कभी ना विशिष्ट आवश्यकताओं, स्पेशल ज़रूरतों के लिए या कंपनी की संचालन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, जो कि है पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बच्चे कहेंगे स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो मैम गवर्नर और सीएम लिखने को जरूर कहेंगी, लेकिन नहीं गाइस, डोंट वरी, इसमें मैं बता दूंगी आपको। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, पहले तो असम, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर है असम। असम में यह वन्य जीव अभयारण्य है। हाल फिलहाल में यह चर्चा में क्यों है ये देख लेते हैं। हाल ही में एंथ्रेक्स एक बीमारी होती है, एंथ्रेक्स नाम की एक बीमारी होती है, ठीक है। पोबीतोरा इस वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि है पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य में, दो एशियाई जल भैंसों की मौत हो गई। जो एक दो एशियाई जल भैंस वाटर बफेलो हैं उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और यह अभयारण्य दुनिया में एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है, जैसे काजीरंगा उसी तरह ये भी फेमस है, बट इसे मिनी काजीरंगा कहा जाता है, इसीलिए इसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। तो असम के बारे में हम लोग देख लेते हैं आज। असम का फॉर्मेशन ईयर है 1950, 26 जनवरी 1950। इसकी कैपिटल क्या है? डिसपुर इसकी कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी क्या है? गुवाहाटी इसकी लार्जेस्ट सिटी है।
डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इसमें, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इसके गवर्नर कौन हैं अर्थात इसके राज्यपाल कौन हैं, जगदीश मुखी जी, जगदीश मुखी जी इसके राज्यपाल हैं, और सीएम मुख्यमंत्री कौन है इसके, सर्बानंदा सोनोवाल जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हाईकोर्ट कौन सा है, गुवाहाटी में इसका हाईकोर्ट है। तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी, बट फिर भी आपका एक क्वेश्चन है, मैंने एक चीज़ नहीं बताई, आसाम में कितने नेशनल पार्क हैं, उन नेशनल पार्क के नाम आपको लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। तो आई होप बच्चे लिखेंगे। प्लीज़ गाइस आप ना इन क्वेश्चंस को सीरियसली लिया करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बीच बीच में पूछती हूँ मजाक में मत लिया करो, सीरियस लिया करो, ये भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, स्टैटिक पोर्शन भी कवर होता रहेगा धीरे धीरे ऐसे ही। तो चलिए देखते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 50वें संस्करण का आयोजन 20 से 28 नवंबर तक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, नई दिल्ली, चेन्नई, तमिलनाडु, गोवा। तो इस क्वेश्चन में ना ऑलरेडी दो क्वेश्चन है, यह इस साल कौन सा संस्करण होगा, कौन सा एडिशन होगा, 50वां, कब होगा ये, 20 से 28 नवंबर तक, ये कहाँ होगा, ये होगा गोवा में, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी, पणजी में इसका आयोजन होगा, कब होगा, 20 से 28 नवंबर, कहाँ होगा, गोवा में, कौन सा है, 50वां। इसको स्वर्ण जयंती संस्करण भी कहा जाएगा, और इसकी घोषणा किसने की, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा इसकी सूचना की गई। तो गोवा के आप सीएम और गवर्नर का नाम लिखेंगे आज, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत की लक्ष्मी आंदोलन नामक नई पहल के लिए राजदूत के रूप में नामित किया गया। तो इसके ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ। तो इसका करेक्ट आंसर है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण के साथ पीवी सिंधु को भी नामित किया गया। यहाँ पर देखते हैं, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई पहल भारत की लक्ष्मी आंदोलन के लिए राजदूत के रूप में नामित किया गया है। पीएम मोदी की इस पहल का उद्देश्य देश भर में महिलाओं द्वारा दीपावली के त्यौहार के पहले किए गए सराहनीय कार्यों को सामने लाना है। भारत की लक्ष्मी अभियान महिला सशक्तिकरण के कारण को रेखांकित करता है यह, ठीक है, और साथ ही भारत की असाधारण महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों का भी जश्न मनाता है। इनडायरेक्टली वुमेन्स एम्पावरमेंट को बढ़ावा देता है यह, ठीक है, यह आंदोलन, और जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की जयंती पर किस देश में डाक टिकट आरंभ की गई। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, फ्रांस, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका या कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस, फ्रांस में इसकी इसको आरंभ किया गया डाक टिकट को, ठीक है। कौन सी जयंती पर, 150वीं जयंती के मौके पर गांधी जी की तस्वीर वाली डाक टिकट जारी की गई। आप डाक टिकट देख पा रहे हैं इमेज में, यह डाक टिकट फ्रांस की डाक सेवा कंपनी ला पोस्टे ने जारी की है। गांधी जयंती के विश्व गांधी जयंती पर विश्व के कई देशों जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्की, फिलिस्तीन और अन्य देशों ने भी इसी तरह के डाक टिकट जारी किए हैं 2007। हाँ, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ करके आप मार्क कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। साल 2007 से गांधी जयंती को प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर है इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सहित कितने देशों ने ऑनलाइन फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन अगर गाइज अभी तक आपने ना वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी ग्रुप्स में, जिससे सभी बेनिफिट उठा सकें। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, 20, 18, 16, 24। तो इसका करेक्ट आंसर है 20। 20 देशों ने इंडिया के अलावा साइन किए समझौते पर ऑनलाइन फेक न्यूज़ को रोकने के लिए। इसके बारे में हम देख सकते हैं, भारत सहित 20 देशों ने ऑनलाइन फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, और फेक न्यूज़ के विरोध इन देशों ने कार्यवाही कर विश्वसनीय खबरों को प्रसार करने के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। फेक न्यूज़ का प्रसार प्रचार विश्व भर के लिए चुनौती बनता जा रहा है। चुनावों के समय फेक न्यूज़ का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है,
जैसे हमारे एग्जाम्स की डेट्स को बताने में भी ये लोग बहुत मिसयूज़ करते हैं सोशल मीडिया, डिजिटल वगैरह सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश के शोधकर्ताओं ने अक्षय ऊर्जा भंडारण उपकरण विकसित किया है, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, ये एक डिवाइस है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम्स के रिसर्चर्स ने यह लॉन्च किया है, विकसित किया है यह डिवाइस, है ना, लंदन के क्वीन मैरी इंस्टीट्यूट, लंदन में एक क्वीन मैरी इंस्टीट्यूट है, वहाँ के रिसर्चर्स ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। यह एक ऐसा उपकरण है जो बैटरी की तरह ऊर्जा का भंडारण करता है। यह एक ऐसा उपकरण है जैसे बैटरी होती है ना, उसमें एनर्जी होती है, ठीक है, यह भी एक वैसा ही उपकरण है, ठीक है। और इस तकनीक से बड़ी मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है। तो चलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा भारत रिपोर्ट 2017 के अनुसार किस राज्य ने महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए हैं महिलाओं के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। 2017 ने हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा इसको जारी किया है, ठीक है। 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3.59 लाख मामलों के साथ देश में खराब कानून और व्यवस्था की स्थिति के आंकड़े उजागर करता है ये, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 2017 में 56,011 महिलाओं के साथ अपराधों की अधिकतम संख्या दर्ज की है। सबसे टॉप पर है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद MP, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद असम। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसका फॉर्मेशन ईयर है 1986, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। इसका मोटो क्या है, एम्पावरिंग इंडियन पुलिस, इंडियन पुलिस को एम्पावर करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। और इसका एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है, रामपाल पंवार, जो IPS ऑफिसर रह चुके हैं। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा विश्व आयोडीन डेफिशिएंसी डे का 2019 का संस्करण किस तारीख को मनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को यह दिन मनाया गया है। आयोडीन की कमी और मस्तिष्क के विकास पर इसके विनाशकारी प्रभावों के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बताने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह हर साल मनाया जाता है, ठीक है, 21 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। आयोडीन एक आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो सामान्य थायराइड फंक्शन विकास और विकास के लिए आवश्यक है, हमारे ग्रोथ के लिए आवश्यक है, हमारे डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये हमारे बॉडी का। तो चलिए, आई होप बच्चों ने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। आई होप जो बीच बीच में मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसका सीक्वेंस वाइज बच्चे आंसर देंगे। तो चलिए होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, जो कि है हमारा UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो आपको इन चारों में से आंसर बताना है और दूसरा UIDAI की फुल फॉर्म भी लिखनी है। तो चलिए, आई होप बच्चों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ, एक और चीज़ आज मैं कहना चाहूँगी, आज हम कुछ लाइक का टारगेट रखते हैं 500 कम से कम, ज़्यादा हो गए तो बहुत अच्छी है, अच्छी बात है, 500 प्लस आपको लाइक करने हैं वीडियो पर। तो अच्छे से सभी बच्चे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये था आज का सेशन, हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और सभी क्वेश्चंस के आंसर देना, ठीक है। तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से ज़रूर ही आपको मदद मिलेगी, ठीक है। और उसी के बराबर में ना एक बेल आइकॉन होगा, प्लीज़ आप उसे भी क्लिक कर दीजिए। जब तक आप उसे क्लिक नहीं करेंगे तब आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, इसीलिए कुछ बच्चे कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आया था मैम, उन्होंने क्लिक नहीं किया होगा। बाकी सारी बच्चे कर लीजिए, SSC मेकर हमेशा आपके साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, बेस्ट ऑफ लक, है ना, अच्छे से पढ़ाई करिए। SSC CGL का नोटिफिकेशन भी आ गया तो प्लीज़ करके आप वो भी पढ़ के भर दीजिएगा, ठीक है। SSC मेकर हमेशा आपके साथ है। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे।